जी नमस्कार। जी जी नमस्कार नमस्कार। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रशासनिक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रमेंद्र त्रिपाठी जी के साथ, जो स्वभाव से समाजवादी भी हैं। बद्री विशाल पित्ती जी, वो आप याद करते हैं कि नहीं अभी आजकल में? नहीं, मैं तो निश्चित रूप से याद करता हूं, क्योंकि मैं इस हकीकत से परिचित हूं कि लोहिया जी की वैचारिकी को पूरी दुनिया के सामने और विशेष रूप से भारतीय समुदाय के सामने लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय केवल और केवल श्री बद्री विशाल पित्ती जी को है, क्योंकि उन्होंने जो राम मनोहर लोहिया न्यास की स्थापना किया और इसके अलावा जो ग्रामोफोन, उस जमाने में कैसेट भी नहीं था तो ग्रामोफोन पर उनके भाषण को रिकॉर्ड करना और उसको प्रसारित करना, फिर उसको ट्रांसक्राइब करना, उसको बुकलेट फॉर्म में लाना, तो ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसा उनके बारे में एक बहुत पुराने लेखक हैदराबाद के सुहास कुमार ने लिखा था कि जैसे मार्क्स के लिए और मार्क्सवाद के लिए फ्रेडरिक एंगल्स थे, वैसे ही लोहिया और समाजवाद के लिए बद्री विशाल पित्ती थे। तो इनकी एग्जैक्टली वही भूमिका थी, क्योंकि इनका योगदान समाजवाद जो सोशलिस्ट आउटफिट था वो पूरे देश में फैलाने में उनकी सर्वाधिक और सबसे बड़ी भूमिका थी उनकी। तो इसलिए मैं उनको बहुत पवित्र भाव से, बहुत खुले हृदय से और अंतःकरण के अपने आयतन को बिल्कुल विस्तृत करते हुए उनको याद करता हूं। और मुझे कष्ट ये जरूर होता है कि जब हम लोहिया का शती वर्ष मनाते हैं तो मैंने ये अनुभव किया और ये देखा, क्योंकि बहुत सारे समारोहों में हम लोग भी सम्मिलित हुए थे, दिल्ली में भी, लखनऊ में भी और अन्य स्थानों पर, लेकिन कहीं बद्री विशाल जी की चर्चा तक नहीं हुई। तो ये मैं समझता हूं कि ये समाजवादियों की सबसे बड़ी कृतज्ञता है ऐसे व्यक्ति को और उनके योगदान को याद न करना और उनके विषय में, जबकि वो अवगत है कि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 1955 में जब 1954 में जब लोहिया नैनी जेल में बंद थे और जब पीएसपी की गवर्नमेंट थी, तब वो प्रजा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और जेबी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। उस समय पट्टम थाणु पिल्लई की सरकार थी केरल में, वहां कुछ अराजक परिस्थितियां उत्पन्न हुई और चार लोगों को पुलिस की गोलीबारी का शिकार होना पड़ा। इससे लोहिया बहुत दुखी हुए, बहुत उद्वेलित हुए और उन्होंने 12 अगस्त को एक टेलीग्राम कर दिया कि हमारी सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार को जो निरपराध लोगों पर, जो सत्याग्रह कर रहे लोगों पर गोलीबारी करती है, उसको नैतिक रूप से सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो इस पर एक तो ये घटना थी और दूसरे 1955 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें एक थीसिस प्रस्तुत कर दिया अशोक मेहता जी ने और उनके समर्थकों ने। वो थीसिस थी कि यदि समाजवादी परिवेश और समाजवादी समाज की का सृजन करना है, की रचना करनी है,
तो कांग्रेस के साथ सहकार करना चाहिए। ये एक ऐसी थीसिस थी जिसका ज्यादा विरोध जो लोहिया के लोग थे, जैसे मधुलिमय ने सबसे प्रखर तरीके से इसका विरोध किया और इसके फलस्वरूप उनको 1955 में पार्टी से बंबई अधिवेशन में निकाल भी दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया। लोहिया जी इन चीजों से बहुत क्षुब्ध थे, लेकिन उनकी कठिनाई ये थी कि उनके पास पार्टी को खड़ा करने के लिए, एक नई पार्टी बनाने के लिए, एक नया पॉलिटिकल आउटफिट के निर्माण के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वो संसाधन उनके पास नहीं थे। और उस समय, उसी समय बद्री विशाल पित्ती जी का प्रवेश होता है। उस समय उनकी अवस्था मुश्किल से 27 वर्ष की थी, क्योंकि 55 में 1928 में वो पैदा हुए थे और 1955 में तो 27 साल के हुए, मान लीजिए 28 साल के रहे हूं। तो 27-28 साल की अवस्था में वो जो पित्ती जो राज परिवार था, मतलब वो मामूली परिवार नहीं था, कलकत्ता के लोग थे बेसिकली, मारवाड़ी थे, लेकिन 200 वर्षों से हैदराबाद में रह रहे थे और उनके ग्रैंडफादर को राज बहादुर की उपाधि दिया था उनके हैदराबाद के निजाम ने, उनके पिता को अंग्रेज सरकार ने नाइटहुड और सर की उपाधि दिया था। तो ये राजा लोग थे, तो इनको ऐसा संबल प्राप्त हुआ और उसके ये एकमात्र चश्मे चिराग थे ये बद्री विशाल पित्ती, इनके कोई भाई या और कोई नहीं था, ये पूरे खानदान में अकेले थे। और 28 साल की अवस्था थी, इन्होंने संबल प्रदान किया लोहिया को और समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई वो हैदराबाद में हुई, जबकि ये मुख्यतः उत्तर भारत की पार्टी थी, बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की पार्टी थी ये, हरियाणा की पार्टी, ये उड़ीसा तक इसका प्रसार था, थोड़ा बहुत बंगाल में था तो ऐसे, लेकिन आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उस समय तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी में जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश था वहां समाजवादी पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ। वो उसका कारण भी यही था कि उनके संसाधन सब कुछ वही थे, उनकी अवस्था कम थी और उनके पास पूंजी का तो अभाव नहीं था, लेकिन जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन होना चाहिए, जो एक राजनीतिक एक निश्चयता जो थी उनकी, और ये उन्होंने समझ लिया था कि मैं अपने जो बाप दादा द्वारा जो अर्जित पूंजी है उसमें कुछ वृद्धि नहीं कर पाऊंगा। ये उन्होंने लिखा भी है कई बार अपने लेखों में कि मैंने अपनी पैतृक संपदा को बढ़ाया नहीं, बल्कि अपने खानदान के जो अन्य लोग थे उनके अनुसार मैंने उसको बर्बाद किया है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं, ये लिखते हैं वो, कि मैं आश्वस्त हूं कि हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें मेरे इस मेरे इस समर्पण को, मेरी इस प्रतिबद्धता को पहचानेंगी। और इस और मैं जानता हूं कि मैं एक पूंजीपति परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन समाजवादी विचारों में मेरी आस्था है, मैं लोकतंत्र में यकीन करता हूं, इसलिए मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। और लोहिया के साथ मेरी अनन्यता है इसकी, ये और ये समझेंगे कि मैंने अपनी क्षमता के अनुसार
पार्टी के लिए जितना संभव है उतना किया। तो इसलिए मैं उनको निरंतर याद भी करता हूं, और अब जब वो नहीं है, 2003 में ही उनका निधन हो गया, तो उनके उनका उनकी स्मृति में जो फाउंडेशन बना है उसकी एक आध बैठक में भी मैं दिल्ली में शामिल हुआ हूँ। उनके पुत्र शरद पित्ती ने उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक समता कुंज की स्थापना भी किया है, जिसमें डीडीए ने उनको प्लॉट उपलब्ध कराया है। उसकी एक कमेटी बनी है, उसमें मुलायम सिंह यादव जी भी हैं, अन्य लोग भी हैं, तो उसमें जॉर्ज भी थे लेकिन अब वो रहे नहीं, तो अब कोई और आ गया होगा। तो मतलब मैंने वो देखा है और उनके उनको निकट से उनको उनको परखने का भी, क्योंकि एक हफ्ते मैं उनके निवास पर रहा हूं, जब चित्रकूट में पहली बार जो संयोग से, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं उस लोहिया के साथ जाऊं, और चित्रकूट में जो एक समागम होना था मध्य प्रदेश के लोगों का भी और देश भर के लोगों का एक समागम था, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आप कह सकते हैं, वो जो एक सेशन होना था उसमें 17-18 साल के लड़के की कोई औकात नहीं थी, लेकिन विजय देवनारायण शाही की कृपा से, क्योंकि उनका सानिध्य था और उनका संबल था, तो मुझे भी अवसर मिला। तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, देश भर के लोग इकट्ठे थे, और लोहिया जी ने 3 दिन का 6 सत्रों में एक बैठक हुई, 6 सत्र, और सबके हर सत्र के अध्यक्ष अलग अलग थे, वक्ता अलग अलग थे, विषय अलग अलग था, लेकिन वो विषय बड़े दूरंदेशी वाले विषय थे, जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ने की संभावनाएं थी। ऐसे विषयों का चयन किया गया और उस पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सेशन हुआ, हर सेशन अपने आप में अद्वितीय था। तो उसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला संयोग से, और वहीं पहली बार बद्री विशाल जी को, जो हैदराबाद से दिल्ली होते हुए इलाहाबाद से बांदा होते हुए चित्रकूट आए थे, अपनी गाड़ी से आए थे स्वतंत्र रूप से, इलाहाबाद से उन्होंने कोई टैक्सी वैक्सी लिया था, उनके साथ इलाहाबाद के उद्योगपति जो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे प्रदेश, लक्ष्मी भूषण वार्ष्णेय, जिनको प्रेम से लोग लल्ला बाबू कहते थे, वो भी साथ थे। उनके साथ एक इलाहाबाद के ही नहीं बल्कि नौजवानों के एक आइकन थे उस समय, नरेंद्र गुरु, वो भी साथ थे। तो ये 3 लोग आए और फिर ये ठहरे थे वहीं, नानाजी देशमुख का वहीं कार्यालय था, जो अब तो बहुत विशाल शायद हो गया, मैं तो इधर गया नहीं। कल्पना कैसे निकालने की योजना बनी थी? कल्पना तो 1949 में ही शुरू हो गई, और उस समय उनकी अवस्था केवल 21 वर्ष थी बद्री विशाल पित्ती जी की। और अब चूंकि कल्पना का प्रसंग आपने छेड़ दिया, इसलिए मुझे ये कहने में, क्योंकि स्वातंत्रोत्तर जो परिदृश्य था, पत्रिकाएं तो बहुत निकल रही थी, धर्म भी था और आलोचना भी थी, नई कहानी थी, सारिका थी, फिल्मी पत्रिकाओं में माधुरी थी, अंग्रेजी में भी इलस्ट्रेटेड वीकली और टाइम्स समूह की बहुत सारी पत्रिकाएं थी, लेकिन जो सरस्वती
ने जो एक मानक स्थापित किया था भारतेंदु काल के बाद, भारतेंदु काल के बाद और स्वतंत्रता पूर्व के भारत में हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए, उस मानक के अनुकूल कहीं कोई न चिंतन था न न प्लेटफॉर्म था। मतलब यदि किसी को अपनी सीरियस चीज, कोई सीरियस निबंध, गंभीर निबंध या इस तरह का कुछ लेखन कहीं छपवाना हो तो अवकाश नहीं था। ये जो कमर्शियल मैगजीन थी, चाहे वो धर्म हो या क्योंकि आलोचना की तो अपनी सीमाएं थी, सारिका की अपनी सीमाएं थी, वो कहानी ही छापेगा, नई कहानियों की अपनी सीमाएं थी, लेकिन जो धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान टाइप जो पत्रिकाएं थी वो नहीं छाप सकती थी, तो इसलिए कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। तो मैं ये कहूंगा कि 1949 में 21 साल की अवस्था में, क्योंकि देखिए कल्पना, चाहे लोग जुड़ते गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े उसमें, और बहुत लोगों को जो आज बहुत प्रतिष्ठापित और सम्मान्य लेखक हैं, उनको उनका लॉन्चिंग पैड था ये, उनको लॉन्च किया कल्पना, लेकिन वो ब्रेन चाइल्ड था केवल और केवल बद्री विशाल पित्ती का। ये उनकी कल्पना ही थी, ये उनकी कल्पना थी कि ये कोई ऐसी पत्रिका निकालेंगे जिसमें सारे स्तंभ हों, जिसमें कहानियां भी हों, निबंध भी हों, कविताएं भी हों, गीत भी हों, पुस्तक विमर्श भी हो, समीक्षा भी हो, आलोचना भी हो, आलोचना भी नाना प्रकार की हो, निबंध हो। तो ये इतना बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, और ये उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि संयोग से वो दो एक अंक जो बहुत संग्रहणीय थे, एक तो 100 साल वो 100 पत्रिका पूरा होने वाला अंक, और पहला और दूसरा अंक वो संयोग से मेरे पास घर पर सुरक्षित है, तो वो इतना संग्रहणीय था। और आप विश्वास करें कि कल्पना पत्रिका की जो उन्होंने आवश्यकता समझा होगा, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म देना था अच्छे लोगों के लिए, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। ठीक है, आप कहानियां लिखते हैं, तो अब वो चाहे वो कमलेश्वर जी संपादक रहे हों या उसके पहले जो भी संपादक सारिका के रहे हों, या नई कहानी में भैरव प्रसाद जी रहे हों, इन लोगों के अपने राजनीतिक अपनी प्रतिबद्धताएं थी, तो ये अपने उस नेट के लोगों को ही छापते थे। इससे एक एक नई कहानियों का एक गोल बना, साठोत्री कहानियों का एक गोल बना, तो गिरोहबाजी तो हुई, लेकिन जेन्युइन लेखन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इसको महसूस किया, और इसलिए 1949 में 21 साल की अवस्था में इसका प्रथम अंक निकला, और प्रथम अंक के जो संपादक थे वो आपने नाम सुना होगा, जो 49 से लेके 62-63 तक प्रधान संपादक रहे, आरेंद्र शर्मा। और आरेंद्र शर्मा की विशेषता ये थी कि वो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह ही, जिनको हिंदी का दारोगा लोग कहते थे परिहास में, जिस तरह वो मुस्तैदी से वर्तनी के बारे में और अन्य चीजों के बारे में, व्याकरण के बारे में बहुत ध्यान देते थे, ऐसे ही आरेंद्र शर्मा जो मूलतः व्याकरण थे, वो खुद व्याकरण के ही व्यक्ति थे,
बेसिक ग्रामर जो हिंदी का है, जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, वो भारत सरकार ने छापा था, जो आज भी सबसे मानक ग्रंथ माना जाता है हिंदी के व्याकरण का। तो उन्होंने जो अपनी टीम बनाया, उस टीम में मधुसूदन चतुर्वेदी थे, उस टीम में प्रोफेसर रंजन थे, उस टीम में बद्री विशाल पित्ती जी तो थे ही, और इस तरह के लोग थे जो बाद में और लोग भी जुड़ते गए, जैसे जगदीश मित्तल जुड़ गए जब कला की बात आई, और आगे फिर प्रयाग शुक्ल जुड़ गए, ओम प्रकाश निर्मल जुड़ गए, मणि मधुकर जुड़ गए, भवानी प्रसाद मिश्र जी जुड़ गए। तो लोग जुड़ते तो चले गए, लेकिन ये मूल रूप से ये लोग थे, और इतनी कठोरता थी कि पुराने लोग बताते हैं, ये आज भी आप कभी चर्चा करेंगे पुराने लोगों को, कि जो आर्टिकल आप भेजते थे कल्पना में, वो कल्पना में आर्टिकल जाने के बाद लेखक का नाम हटा दिया जाता था, और लेखक का, ताकि उसकी ख्याति से प्रभावित न हो जाए। ये जो संपादक मंडल के लोग हैं, जो रचनाओं का प्रकाशन के लिए चयन करते थे, वो ये ना कि कोई ख्यातनामा लेखक है तो वो नाम हटा दिया जाता, उसके बाद चयन की प्रक्रिया होती थी, बाकायदे स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, वो स्क्रीनिंग होती थी, और आखिर में जो प्रमुख संपादक थे वो स्क्रीन करते थे, उसमें व्याकरण की या वर्तनी की कुछ अशुद्धियां होती थी तो उसको ठीक करके उसका एक उसकी पांडुलिपि बनाई जाती थी, और यदि उसको छपना है तो लेखक को वो जाता था कि ये देखिए, ये आपका आपकी रचना थी जिसको हम स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी इतनी वर्तनी की अशुद्धियां थी जो हम लोगों ने ठीक करके ही कर दिया। मतलब कविता के सिंटैक्स को नहीं बदला, उसके कथ्य रूप में, कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उसका जो और कविता को जिस तरह से, चाहे वो ब्लैंक वर्स की कविता हो जिसमें गीयता न हो, छंद न हो, रिद्म न हो, इसके बावजूद भी एक उसमें रिद्म होता है, एक अंदर की अंतर जो सिम्फनी है वो होती है, जो तो ये इसका ध्यान रखते थे। तो वो जो उनका ग्रुप था, वो तो केवल उस वाक्यों को ऊपर नीचे शब्दों को फिरो के लेखक से अनुमति लेते थे कि यदि हमने ये परिवर्तन किया है, कंटेंट बिल्कुल वही है, आपकी शब्द आपकी भाषा केवल वही है, केवल जो अशुद्धियां थी उसका परिमार्जन कर दिया गया, और जो उसको प्रस्तुत करने की जो शैली है वो उसमें थोड़ा सा जो आपने प्रोज की स्टाइल में बिल्कुल लिख दिया, गद्य की स्टाइल में लिख दिया, उसको एक 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 लय प्रदान करने के लिए, एक रेटोरिक प्रदान करने के लिए वो हमने इस तरह किया है। वो जाता था, उसकी सहमति मिलती थी, क्योंकि तब ये सब तो था नहीं कि आपने व्हाट्सएप कर दिया और तब वो चिट्ठी पहुंची, फिर उस चिट्ठी में तो यदि आपने आज आपका चयन हुआ तो वो दूसरे तीसरे अंक में कहीं आपका नंबर छपने का आएगा, क्योंकि पत्राचार हो रहा है, चिट्ठी जा रही है, आप उपलब्ध हैं नहीं हैं, जब आपने खोला तो पढ़ा, फिर आप प्रतिक्रिया देने में आपको कितना वक्त लगा, कुछ ऐसे ऐठने वाले लेखक भी होते थे कि वो अपना कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, तो वो नहीं सहमत होते थे, लेकिन वो इतने कठोर लोग थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कई लोगों के साथ
ये देखा है अपने समकालीनों के साथ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से और जो बाद में बहुत बड़े लेखक भी हुए, जो बाद में उसमें छपे भी, तो कल्पना में छपे, लेकिन कितनी बार रिजेक्ट हुए वो। और सकारण ये नहीं कि लिख दिया कि आपकी रचना प्रकाशन के योग्य नहीं समझी गई, ऐसा नहीं, बाकायदे टिप्पणी रहती थी कि इस कारण से। तो लेखक को यदि उससे कुछ लेसन लेना होता था, यदि अनावश्यक वैनिटी नहीं थी और ईगो, जो इन्फ्लेटेड ईगो होता है लेखकों में, रचनाकारों में, फूल के कुप्पा हो गए, मालूम हुआ कि चार अक्षर अभी पढ़ा लिखा नहीं और इधर उधर से अपना टीप करके एक कविता लिख दिया और उसके बाद साहब वो कविता नहीं स्वीकृत हुई तो फिर मुंह फुला के दूसरे जगह छपवा लिया। ठीक है, वो तो छप ही जाएगा। इतनी सारी लिटिल मैगजीन्स, नॉन कमर्शियल मैगजीन्स पूरा पूरे देश भर में छप रही थी कि वो तो छपना ही छपना था, कहीं ना कहीं वो छप जाएगा क्योंकि उनको मैटर चाहिए। लेकिन कल्पना की विशेषता ये थी कि चाहे वो पहले अंक का हो, चाहे 100वें अंक का हो, या वर्ष 78 तक वो निकली है और उसका एक अंक जो मेरे पास आज भी उपलब्ध है, 2005 में उनके पुत्र ने काशी अंक कल्पना का निकाला, जो सामग्री उसी समय की थी और उस पर काफी काम भी किया गया था, लेकिन छप नहीं पाई। 28 वर्षों तक, 28 वर्षों तक वो पत्रिका निकलती रही, मतलब 49 से लेके 78 तक, 77 78 तक, तो 28 वर्ष हो गए। और कल्पना ने कभी कोई समझौता नहीं किया। धोने का कारण बंद होने का कारण तो जो जो नोन कारण है उसके कुछ अन्य अन्य कारण रहे होंगे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही होंगी, क्योंकि देखिए कल्पना का कोई अंक पुराना आप देख लें, उसमें आप जो आज पत्रिकाओं में जिस तरह से विज्ञापन भरे रहते हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे स्वनाम धन्य लेखक जो हैं, क्योंकि उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जो विज्ञापन मिल जाता है, लंबे चौड़े सरकार के विज्ञापन और जो खरीद होती है, ये मूल्य भी बहुत साधारण मूल्य मिलने वाला न कोई हो। और दूसरे उसका उद्देश्य ये था कि हिंदी का प्रसार गैर हिंदी क्षेत्रों में, मतलब आंध्र प्रदेश हैदराबाद से प्रकाशित हो रही है तो उसका प्रभाव कर्नाटक में भी जाए, अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति, इसके नियमित पाठक थे स्नेहलता रेड्डी, जो बहुत प्रसिद्ध तेलुगु की एक्ट्रेस थी, सिने अभिनेता थी, वो भी इसकी रेगुलर पाठक थी। और बद्री विशाल जी की विशेषता, वो धारा प्रवाह बोलते थे क्योंकि 200 वर्षों से वही लोग थे, तो वो अपनी भाषा भले मारवाड़ी भाषा में उतने प्रवीण न रहे हों, लेकिन और बहुत शिक्षा भी नहीं थी उनकी, ये भी है क्योंकि इलाहाबाद से विशारद थे, केवल विशारद, क्योंकि इतने धन धान संपन्न उसके कुल के कुल दीपक थे वो, और अकेले थे कि उनको कहीं भेज ओज के पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी उनके परिवार के लोगों, इतने जिसको बिहार और उत्तर प्रदेश की भाषा में कहा जाए तो इतने दुलरुआ थे वो, माता पिता के, अपने बाबा के, अपने परिवार के, कि उनसे अलग होने के लिए लोग राजी ही नहीं होते थे। वो 2-4 दिन के लिए भी देशाटन पर जाते तो पूरी व्यवस्था होती थी उनके पिता की तरफ से,
उनके पिता का नाम था पन्नालाल, तो राजा पन्नालाल, तो राजा पन्नालाल कितनी पूरी व्यवस्था करते थे, तीन तीन चार चार आदमी भेजते थे कि देखो इनके खाने पीने का इंतजाम क्या है, दिल्ली जा रहे हैं तो वहां क्या है। तो इस तरह से बहुत वैसे परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय बहुत किया और उसकी वजह से कल्पना जैसी पत्रिका, अब कल्पना के विषय में मैं क्या बताऊं कि आपको वो ध्यान होगा, निर्मल वर्मा का जो इंटरव्यू था, जो उन्होंने इंटरव्यू क्या संवाद था नामोर जी के साथ, उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जब मैं कल्पना में छपा तब मुझे ये लगा कि मैं लेखक हो गया हूं या लेखक होने की संभावना मेरे में है, क्योंकि कल्पना में छपना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वो थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कल्पना का, और केवल साहित्य ही नहीं, कला और संस्कृति, जो कला माध्यमों पर जो चर्चा होती थी, जो उसमें जो रेखांकन होते थे, चाहे वो असित हालदार, सुधीर खास्तगीर के हों, हालदार के हों, अमृता शेरगिल के हों, लक्ष्मण पै के हों, जगदीश गुप्त के हों, ये अद्भुत रेखांकन, इवन एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन को यदि लाइमलाइट, यदि किसी किसी के कारण वो इतने चर्चित हुए और उनकी सारी एकल प्रदर्शनियां, अपने घर को ही स्टूडियो बना दिया बद्री विशाल जी ने और कहा कि तुम यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं आप चित्रांकन कीजिए, यहीं चित्र बनाइए, पूरा एक खंड इनको दे दिया, वहीं स्टूडियो बनवा दिया और इनकी दिल्ली से लगाए मद्रास में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, जितने बड़े शहर हैं, कलकत्ता में, सब जगह इनकी एकल प्रदर्शनियां अपने खर्चे पर आयोजित किया। और इतना ही नहीं, फ्रांस और इटली, जो मतलब जो पेंटिंग के लिए विश्व विख्यात जो जगह थी, वहां भी अपने खर्चे से इनकी पेंटिंग को भेजा और कई कई बार इनको भेजा, और वहां के लोगों से, चाहे वो राजा हो, चाहे वो दूसरे चित्रकार रहे हों, क्योंकि ये तो बॉम्बे में रह के ये फिल्मी पोस्टर बनाया करते थे, तो ये पहचान भी, ये फर्स्ट कलेक्टर इनके पेंटिंग्स के यदि कोई थे तो वो बद्री विशाल पित्ती थे, और लोहिया जी की प्रेरणा से, लोहिया जी की वो भी एक घटना है जो मैंने सुना है कि लोहिया जी को नॉन वेज में बिरयानी और मुर्ग उसका कोरमा ये बहुत पसंद था, तो ये कभी इनसे मुलाकात हुई, एम एफ हुसैन से ये नंगे पैर चलते थे, जूता उता पहनते नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि बातचीत में, वो गुरु गुरुद्वारा रकाबगंज से दोनों लोग निकले और जामा मस्जिद के पास बहुत अच्छी इस तरह की दुकानें हैं जो नॉन वेज की दुकानें हैं, वहां गए, वहां खूब छक के लोहिया ने अपने खाया, इनको खिलाया, और वहीं उसी दुकान पर, जो बड़ी प्रसिद्ध दुकान है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां की सर्वाधिक प्रसिद्ध दुकान है वो जामा मस्जिद के क्षेत्र में, तो वहीं उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आप रामायण और महाभारत पर एक मतलब आपको चित्र बनाने के लिए कंटेंट की जरूरत है, तो ये जो दो महाकाव्य हैं हमारे, रामायण और महाभारत, इस पर आप चित्र बनाइए,
और बद्री विशाल पित्ती से उन्होंने टेलीग्राम किया कि आप आ जाइए। वो आए दिल्ली, दिल्ली में उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, व्यवस्थित जीवन ऐसे जो यायावर की तरह भटकते रहते हैं ऐसे नहीं होगा, आप चलिए आप हमारे घर पर पूरा, क्योंकि वो महल नुमा उनका मोती महल नाम भी था, मोती महल में एक एक पोर्शन दे दिया उन्होंने जिसमें ये राजा की तरह रहते थे और सारी व्यवस्था थी, और इनका काम केवल था कैनवेस और उस पर वो करना। तो पूरी सीरीज जो आज भी सुरक्षित है, मतलब ये पूरी सीरीज वो न इन लोगों ने किसी को बेचा है न दिया है, वैसे ही बहुत परिने ढंग से बहुत सुरक्षित तरीके से वहाँ उनके महल में उनके प्रासाद में रखी हुई है, जिसको मतलब लोग देखने जाते हैं दुनिया भर के लोग, वो एक वीथी ही पूरा बना दिया है, पूरी गैलरी है एक आप आर्ट भी जी। कल्पना में आप भी खूब प्रकाशित हुए। कल्पना में अब ये संयोग ही था कि कल्पना में हिम्मत तो नहीं थी, हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन चूंकि शाही जी और दूधनाथ सिंह के काले मलयज और ज्ञान रंजन ये सारे लोग और कलकत्ता से एक पत्रिका निकलती थी ज्ञानोदय, उसमें रमेश बख्शी जी संपादक थे, तो और ज्ञानोदय में मैं खूब छपा था, खूब कविताएं छपी थी, तो ये रमेश बख्शी प्राय इलाहाबाद भी आते थे, तो जाहिर है कि बच्चे की तरह हम लोग भी अपना पीछे पीछे, उसमें शाही जी का योगदान था और सर्वाधिक योगदान श्री मार्कंडेय का था, वो इलाहाबाद में ही रहते थे और उनकी मशहूर कहानी गुलरा का के बाबा वो 1952 में कल्पना में ही पहली बार छपी, और इसके बाद उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत था बद्री विशाल पित्ती जी से भी, आर्यन शर्मा जी से भी, और बल्कि मधुसूदन चतुर्वेदी थे उनसे भी, और डॉक्टर रघुवीर सिंह थे उनसे भी उनका संबंध था, तो वो प्राय जाते भी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे दे दो, तो एक कविता, क्योंकि ज्यादा कविता देने की हिम्मत नहीं थी मुझे, साहस नहीं था, क्योंकि कल्पना में वैसे भी डर लगता था, और बीए पार्ट टू में ही था, तो दर्शन भाषण करके एक कविता 68 में वो ले जाके उन्होंने दे दिया, और दिया था उस समय वो आ गए थे मणिमधुकर, मणि मधुकर जी संपादक मंडल में 68 में आ गए थे, तो उन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने सब देखा उखा, और पता नहीं कैसे वो कविता थ्रू हो गई, तो फिर वही वो आया आलेख कि इसमें ये व्याकरण की कुछ वर्तनी की और इस मतलब इसकी ये क्रमभंग भी है इसमें, तो इसको ठीक करके हम लोगों ने न कोई शब्द बदला है न कंटेक्स्ट बदला है न कोई कंटेंट में कोई परिवर्तन किया है न आपकी भाषा को, लेकिन जो गलत शब्द कुछ प्रयोग हो गए थे उनको हटा दिया है, अब उनके लिए ये इतने पर्यायवाची वाची शब्द हैं जिसको आप उचित समझिए इस स्थान पर डाल दीजिए, तो बड़ा आसान था और बहुत प्रसन्नता भी हुई। मार्कंडे जी ने कहा कि काफी हाउस वगैरह में चर्चा मत करना, क्योंकि ये लेखक बहुत एक दूसरे के पिटन खींचते हैं, तो ये किसी ग्रुप ग्रुप में, ये जो एक शनिवारी ग्रुप था वहाँ काफी हाउस में बैठता था जिसमें केवल मार्क्सवादी लोग बैठते थे,
और उसका नेतृत्व करते थे भैरव प्रसाद गुप्त जी, तो वो संपादक थे, वो भी नई कहानी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और उनसे सब डरते भी थे, वो भुड़क भी देते थे, तो वो चाहते थे कि नए लेखक यदि कोई रचना करे तो हमको जरूर सुनाए, घर पर आके सुनाए या काफी हाउस के बाहर कहीं निर्जन स्थान पर। तब इलाहाबाद का सिविल लाइन बहुत खूबसूरत था और बहुत एकांत कोने बहुत मिल जाते थे जहां आप सुना सकते हैं अपनी कविताएं, आपने जो भी जो आपकी रचना है, तो वो कोई न कोई कोना खोज लेते थे। लेकिन मार्कंडे जी ने बिल्कुल तायिद किया था कि इसकी किसी से चर्चा मत करो, और उन्होंने देखा, देख के कहा कि इसको जैसा है वैसा बिल्कुल ये ठीक है, ये इन शब्दों पर है, मेरे विचार से ये होना चाहिए। हमने वही रख दिया, हमने ज्यादा उसमें दिमाग उमाग लगाने की चेष्टा नहीं किया क्योंकि वो लंबी कविता थी, करीब 3-4 पेज की थी, हाथ से लिखी हुई, जो छपने के बाद भी 2 पेज की तो थी ही, और उस समय 4-5 कविताएं ही छपती थी क्योंकि उसमें गीत भी छपते थे, भवानी प्रसाद जी भी आ चुके थे और पन जी, मतलब जितने दिनकर जी ने अपनी अपनी रचनाएं उसमें दिया, सुमित्रानंद पन जी की रचनाएं छपी, प्रभाकर माचवे की रचनाएं छपती थी, और वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जैसा मैंने बताया, तो वहां वो गया था, वो छप गया। उसके बाद कुछ गद्य में भी 2-3 चीजें लिखी, कुछ नवलेखन के बारे में लिखा, हालांकि उस समय तक स्तर में थोड़ा सा अंतर आ गया था कल्पना के, वो 70 के बाद के जो यदि आप अंक 70 और 78 के बीच के देखें तो आपको लगेगा कि ह्रास जैसे पहल में आप महसूस करेंगे, पहल के 125 का कितने अंक निकले हैं, लेकिन जो 90 अंक तक जो तेजी थी, उसके बाद जब ज्ञान रंजन ने बंद करने के लिए किया और उसके बाद फिर 35 अंक निकल गए, तो वो 35 अंक में वो चीज नहीं है जो उन 90 अंकों में था। वैसे ही वो धीरे धीरे, चूंकि बद्री विशाल पित्ती ये भी लोहिया के बाद और जिस तरह विघटन हुआ समाजवादियों में, उसको लेकर के वो कुछ बहुत दुखी रहते थे, तो धीरे धीरे वो अपने वाणिज्यिक कार्यों में, क्योंकि घर का भी दबाव था, परिवार का दबाव था, और वो विधायक भी हो गए थे, वो महाराजगंज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हैदराबाद की, हैदराबाद के से लगी हुई, वहां के विधायक भी थे, तो ये इसलिए उतनी उनकी रुचि नहीं रह गई थी, और आर्यन शर्मा जैसा व्यक्ति भी नहीं था। अब ओम प्रकाश निर्मल जी ही मुख्य रूप से थे, ओम प्रकाश निर्मल का ही निर्णय अंतिम होता था, बाकी लोग भी थे, कमलेश जी भी थे, प्रयाग शुक्ल थे, भवानी शंकर, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, ये सारे लोग थे, लेकिन उसमें निर्णय अंततः जो एक बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जब सब वहीं रहते थे, अब सब थोड़ा बिखर गए थे, कोई दिल्ली में रहता था, कोई कलकत्ता रहता था, कोई कहीं रहता था, तो वो केवल चर्चा हो जाती थी, तो जो निर्णय का जो वो था, तो उससे थोड़ा सा अंतर आया उसमें, वो कुछ क्योंकि लंबे समय तक कल्पना निकली, इसलिए एक लेखकों का एक नेट भी फॉर्म हो गया, एक खास किस्म के लेखक। लेकिन इसके बावजूद आत्महत्या के विरुद्ध ये जो पहली बार प्रकाशित हुआ,
67 में रघुवीर सहाय की जो बहुत मशहूर कविता है वो कल्पना में प्रकाशित, हजारी प्रसाद द्विवेदी का चारु चंद्र लेख जो बहुत मशहूर नॉवेल है, उनका उपन्यास है, वो पहली बार उसी में प्रकाशित हुआ, कल्पना में प्रकाशित हुआ। अंधेरे में जो बहुत प्रसिद्ध कविता है मुक्तिबोध की, वो उसी वही प्रकाशित हुई। और दूधनाथ सिंह राजकमल चौधरी की भी जो दो दो चार चार कहानियां इन लोगों की छप चुकी थी, राजकमल चौधरी की कविताएं बहुत अच्छी कविताएं, ये जो मतलब उनके वो भूखी नंगी और गिन्सबर्ग वगैरह के प्रभाव वाली कविताएं नहीं थी, वो बहुत अच्छी जो एक बहुत पढ़े लिखे और बड़े यशस्वी व्यक्ति थे, आप तो वो अच्छी कविताएं उसमें छपी थी वहीं से। तो और इसके अलावा वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, प्रभाकर माचवे जो स्थापित थे, इनको प्लेटफॉर्म मिला। और रघुवीर सहाय, कीर्ति चौधरी, दूधनाथ सिंह और ये आपके नेमीचंद जैन जैसे लोगों के लिए, जैसे बहुत सारे मणि मधुकर और कितने लोगों के लिए, एक लॉन्चिंग प्रयाग शुक्ल, ये लॉन्चिंग पैड की तरह मतलब कल्पना में छप गए तो लेखक हो गए, एक रिकॉग्निशन हो जाती थी। और मुझे याद है कि बहुत पहले विष्णु जी, श्री विष्णु खरे जो अब नहीं रहे, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे दिल्ली में किसी कॉलेज में, और बहुत तेज बहुत अच्छी समीक्षाएं लिखते थे और बहुत बड़ी चुटीली भाषा थी उनकी, आलोचना में विशेष उन्होंने बहुत लिखा है, नामवर जी बहुत पसंद करते थे, वो हमेशा कहते थे कि भाई कल्पना में छपने वालों ने, कल्पना में जो जो लोग, क्योंकि वो संयोग से कल्पना में एक एक बार भी नहीं छपे, जबकि वो बहुत अच्छे कवि भी थे, लेकिन संयोग की बात है। तो वो विष्णुचंद शर्मा जी तब थे, वो उनसे प्रायः वो चर्चा करते थे, विष्णु जी, दोनों विष्णु आपस में, कि भाई तुम तो कल्पना वाले हो, तुमको रिकॉग्निशन इतनी जल्दी मिल गया, और मैं रगड़ते 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 अब जाके आलोचना ने हमको एक पहचान दिया है। तो वो पहचान का भी संकट था, पहचान का बहुत बड़ा, हिंदी लेखकों के समक्ष ये संकट बहुत बड़ा था। उर्वशी की बात अभी आपने अंतराल जो थोड़ा सा हुआ था उसमें किया था, वो कि भगवत शरण उपाध्याय जी ने बहुत तीखा कोई लेख लिखा था, ये सही है कि भगवत शरण उपाध्याय उसके नियमित नियमित राइटर थे, और उनकी उनका एक बहुत प्रसिद्ध, और वो कंट्रोवर्सी कुछ हो ही जाती थी, क्योंकि नाटकों पर जो उन्होंने लिखा, नाटकों पर भी लिखा, तो उसमें उन्होंने राम कुमार वर्मा, क्योंकि एकांकी को लॉन्च किया एक तरह से कल्पना ने, हिंदी में एकांकी की परंपरा केवल राम कुमार वर्मा थे, लेकिन बाकी जो उपेंद्रनाथ अष्ट से लेकर प्रभाकर माचवे और जितने लोगों ने बाद में एकांकी लिखना शुरू किया, वन एक्ट, वो वन एक्ट प्ले पर भी उन्होंने बहुत तीखा एक नाटकों पर लेख लिखा था, वो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और इतने पत्र छपे कि आधी पत्रिका पत्रों पर ही तो भगवत उपाध्याय जी की ये वृत्ति थी कि वो एक तो विद्वान आदमी थे और इंग्लैंड उंग्लैंड बहुत रहे हुए थे भारतीय संस्कृति की, और एक मंगलदेव शर्मा जी थे, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री वाराणसी के थे, उनसे उनकी लाग डांट बहुत होती थी, क्योंकि कल्चरल उस पर
लोक संस्कृत पर, लोक भाषा पर, लोक कलाओं पर उन्होंने, और जो वैदुष्य की जो परंपरा है, जो सारस्वत परंपरा है इस देश की, उसके विषय में उन्होंने बहुत लिखा। तो भगवत शरण जी उससे उलझते थे, तो मैं ये स्वीकार करता हूँ, मुझे स्मरण तो नहीं है वो कॉन्ट्रोवर्सी, या हो सकता है कि दिमाग से निकल गया हो, पढ़ा हो, कोशिश करता था कि हर अंक पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि कल्पना आदमी खरीद के ही, कल्पना के इतने सीमित अंक आते थे इलाहाबाद में कि लूट ही मचती थी। तो उसमें बस ये था कि मांगों के हम लोगों का अवसर ही नहीं मिलता था। हम जो कॉपी होती थी तो वो इलाज पंजी इन लोगों के पास आता था, नरेश मेहता इन लोगों के पास आता था, कभी कभी इनके से हम लोग मार तो नहीं, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मांग चुंग के की तरह मैनेज हो जाता था। तो क्योंकि कल्पना खोजना बहुत मुश्किल था, इसके कुल 5-6 अंक आते थे, ज्यादा खरीदने वाले ग्राहक नहीं थे इसके। शाही जी का कुछ वहां प्रकाशित हुआ था कि नहीं, विजय देव नारायण शाही जी का? बहुत सारी कविताएं शाही जी की, मछली घर जो उनकी पहली, उनका पहला काव्य संग्रह था जो 1966 में प्रकाशित हुआ, उसकी लगभग सारी कविताएं कल्पना में प्रकाशित हो चुकी थी। और वो 53-54 से जब काशी विद्यापीठ से लौटे थे प्रयाग विश्वविद्यालय में 52-53 में, तब से वो लगातार छप रहे थे। और कल्पना के अलावा वो कहीं और देना पसंद नहीं करते थे अपनी रचनाओं को, क्योंकि उसमें नाना प्रकार की, एक तो कल्पना से मतलब ये था कि समाजवादियों का एक बहुत बड़ा वो था, क्योंकि लोहिया के दोस्त थे वो, तो लोहिया का रिकमेंडेशन भी था, और ये इतने अच्छे कवि थे, इनकी कविताओं पर कोई नुक्ता भी नहीं लगाता था, क्योंकि ये अंग्रेजी में भी वर्स पढ़ाते थे, पोएट्री पढ़ाते थे, तो इनको बहुत गहन जानकारी थी कविताओं के, की रचना प्रक्रिया की, उसका सृजन कैसे होता है। तो एक एक शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक शाही जी करते थे, और कई कई ड्राफ्ट में वो लिखते थे, ये नहीं कि एक सिंगल, एक तो सर्राटे से उन्होंने लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, 5-6 ड्राफ्ट में कहीं जाके वो कविता बन पाती थी। और वो स्वयं बहुत और बहुत सशंक रहते थे, और बहुत शाई भी फील करते थे वो, कि अपनी कविताओं के विषय में सुनाने उनाने में उनको बहुत हिचकिचाहट होती थी, वो शेर की तरह दहाड़ने वाले व्यक्ति थे, लेकिन शाही जी जब कविता अपनी सुनाए उनकी आंखें झुकी रहती थी। उनको विपिन अग्रवाल जी उनके मित्र थे, हिंदी के बहुत अच्छे कवि और पेंटर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो हमेशा कहते थे कि शाही की सारी मर्दानगी जब वो अपनी कविता सुनाता है तो इसकी स्त्रीणता में उतर आती है, क्योंकि वो आंखें झुका के, उनको लगता था कि कहीं इसकी आलोचना जरूर हो जाएगी, क्योंकि अब उनकी मंडली भी तो उसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी थे, जगदीश गुप्त थे, डॉक्टर रघुवंश थे, तो मतलब मामूली लोग तो थे नहीं, और सब कविता और उसकी पकड़ वाले लोग थे, तो उनको डर लगा रहता था कि कहीं, और बहुत बड़े लोगों के सामने, पंत उनके के सामने तो सुनाते ही नहीं थे, इलाचंद जोशी जी से थोड़ा खुले थे वो, और इलाचंद जोशी के विषय में आपका ये होगा कि मतलब धर्मियों के, धर्मवीर भारती के पहले संपादक वही थे, बाद में भी वो हिंदी के बड़े
मनोवैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि, वो उनके बड़े भाई हेमचंद जोशी भाषा वैज्ञानिक थे, वो समझ उनकी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, बहुत बहुत शार्प थे वो, बहुत शार्प थे। तो वो उनको अपनी कविता धीरे से सुनाते थे और जो परिवर्तन वो कहते थे वो इनकॉर्पोरेट कर लेते थे, और उस पर चिंतन करते करते यदि उनको लगा कि ये सुझाव ठीक है तो सम्मिलित किया, नहीं तो धीरे से उस कविता को खारिज कर दिया। तो उनकी तो हजारों कविताएं ऐसी ही अप्रकाशित रह गई, हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके संग्रह दो तीन छपा, उनकी पत्नी ने छपवाया, उनके मित्रों ने छपवाया, लेकिन वो छपे खूब, कल्पना में खूब छपे, कल्पना में खूब छपे। बाद में नई कविता पत्रिका निकलने लगी जिसके वो स्वयं संपादक थे। आप जब हैदराबाद गए थे तो आपकी मुलाकात हुई थी बद्री विशाल पिति जी से? हैदराबाद वहीं गए थे क्योंकि मेरा कहीं और आश्रय था भी नहीं। जो रामायण मेला की परिकल्पना किया लोहिया जी ने, तो उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाया, उस कमेटी में बहुत बड़े बड़े लोग थे। उस कमेटी में मकबूल फिदा हुसैन थे, बद्री विशाल पित्ती थे, उसमें स्नेहलता रेड्डी थी, यूआर अनंत मूर्ति थे जो कन्नड़ के बहुत बड़े लेखक हैं, और इसके अलावा ओम प्रकाश दीपक थे और बहुत सारे लोग थे। कुछ पार्टी के काडर से भी उनको कुछ लोगों को लेना था, तो उसमें दो चार लोगों को उन्होंने सम्मिलित किया था। तो उसमें नौजवानों में एक तो कमलेश जी को, जो उनके सचिव हो गए थे बाद में, कमलेश जो हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे, मतलब जो त्रयी थी धूमिल जगूड़ी और कमलेश, उस त्रयी वाले कमलेश, वो कमलेश शुक्ल थे लेकिन शुक्ल लिखते नहीं थे, कमलेश के रूप में ही उनकी थी। बड़ी भारी चुटिया रखते थे, गोरखपुर के थे, वो ये मोटी चुटिया थी उनकी, वो पंक्ति पावन ब्राह्मण थे, जो विद्यानिवास मिश्र जी जो ब्राह्मण थे, वो कहीं भोजन नहीं करना, यदि आप उनके घर गए तो पात्र का भी, पात्र अपात्र का ध्यान रखते हुए वो आपको मिलेगा, मालूम हुआ कि अपने वो चांदी की कटोरी में खाएंगे, स्टील में तो आपको जस्ता में दे देंगे। तो ये इस तरह वो, लेकिन कमलेश जी भी थे उसमें, तो उसमें कमलेश जी के साथ ही हमको भी सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि उस समय जन के उसमें मैं भी था, तो आध्यात्म त्रिपाठी एक थे जो जन के संपादक मंडल में थे और बड़े प्रखर व्यक्ति थे, और ओम प्रकाश दीपक, कमलेश और हम, ये चार आदमी हम लोग दिल्ली से उन्हीं लोगों के खर्चा किराए पर, क्योंकि उन्हीं लोगों ने रिजर्वेशन कराया या शायद पित्ती जी ने ही सबका कराया था, तो हम लोग पहुंच गए वो मोती महल में ही, क्योंकि वहां का गेस्ट हाउस आप समझ लीजिए कि 5 स्टार की कोई परिकल्पना तो थी नहीं, उस समय कोई देखा भी नहीं था, 5 स्टार होटल में घुस के जाने का साहस भी नहीं था कि पता नहीं कहीं कोई पकड़ न ले, बड़ी बड़ी टोप लगाए सब खड़े रहते थे, लंबे चौड़े हरियाणा वाले, दिल्ली में ही देखा था। तो वो वहां वो, लेकिन वो उनका जो गेस्ट हाउस था वो बहुत अच्छा था, और वेजिटेरियन फूड और स्नैक्स और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे होटल में सर्विस होती है, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और एक हफ्ते हम लोग रहे और पूरा एक लोहिया जी तो थे नहीं, तो रामायण मेला के बारे में उनकी क्या कल्पना थी, एक प्रोफेसर विनय कुमार भी थे, बांदा के रहने वाले थे, समाजवादी युजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे,
वो भी गए थे, और जो मान्य लोगों में थे मधुलिमय, मधु दंडवते, एसएम जोशी, ये सब लोग, सब लोगों की वही व्यवस्था थी और उन्हीं के हाल में, तो उनसे निरंतर ही हम लोगों की भेंट होती रही। और वो एक उनकी एक विशेषता हमने जो लक्ष्य किया बद्री विशाल पित्ती जी की, वो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति थी उनकी, और उनको लगता था जैसे हर व्यक्ति के पास ज्ञान का एक कोष है जिसमें वो जो उनको जिससे वो लाभ ले सकते हैं, जिससे वो लाभान्वित हो सकते हैं, और बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्र होके, बहुत ध्यान पूर्वक वो आपकी बात को सुनते थे और बच्चों की तरह सवाल पूछते थे। तो इस तरह इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था रामायण मेले पर भी, और वो पूरा तब वो नग्न चित्र वाला वाली कंट्रोवर्सी एम एफ हुसैन की, मकबूल फिदा हुसैन की नहीं आई थी, जो बाद में देवी देवताओं के बारे में कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी उठी, उस समय कुछ नहीं था, उस समय बहुत प्योर ये थे, और वो भी थे स्वामीनाथन, सबसे बड़ी बात थी स्वामीनाथन भी थे, लक्ष्मण 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 पई थे, और एक विनोद कुमार मुखर्जी जिनका स्केचेस बड़े बहुत छपे थे कल्पना में, वो भी थे, और कुछ और नए लोग। तो बहुत लंबी चौड़ी योजना बनी, और ये हुआ कि इसको देश भर में जहां जहां राम का अस्तित्व, अयोध्या से लेके जो वन गमन का जो मार्ग है, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट और इलाहाबाद होते हुए, जो छत्तीसगढ़ होते हुए, जो श्रीलंका तक जो जाने का जो रूट है, उस रूट पर कार्यक्रम हो, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पाया। हुआ तो, लेकिन देश भर में उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाया, क्योंकि लोग उन प्रांतों के लोग समझ नहीं पाए उस कॉन्सेप्ट को, जो लोहिया का कॉन्सेप्ट था रामायण मेले के माध्यम से, वो रामायण के माध्यम से वो मेले मेले में जो ये है कि मेले में सभी दर्शनार्थी होते हैं, कोई किसी का जाति पाति मजहब नहीं पूछता, तो एक तरह से जो एक एकता हो, जो भावनात्मक एकता हो जाए दक्षिण और उत्तर की, ये क्योंकि वो राम उत्तर भारत से निकले और सीधे श्रीलंका तक पहुंच गए, रावण के का जो देश माना जाता है, तो इस तरह उत्तर और दक्षिण की एकता, जिसमें पश्चिमी भारत भी सम्मिलित था, जिसमें दक्षिणी भारत भी था, जिसमें उत्तरी भारत भी था, जिसमें पश्चिमी भारत था, तो एक 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 पूरा उसका एक स्वरूप बना। स्वरूप तो बहुत अच्छा था, और उसका जो आलेख है वो कल्पना में ही प्रकाशित हुआ, कल्पना के 72वें अंक में, सन 1972 के अंक में पूरा अंक रामायण मेला अंक था, जो करीब 250-300 पेज का था, वो अंक नहीं है, वो पुस्तक ही है, और उसमें पूरी यात्रा कैसे हो गया, वो अकेले अपने दम पर और प्रयाग शुक्ल, केवल दो लोगों ने मिलके, वो बद्री विशाल जी ने और प्रयाग जी ने, प्रयाग शुक्ल ने, ये दोनों लोगों ने मिलके इसको पूरा एक स्वरूप दिया था। तो इस तरह से समाजवादियों का जो झुकाव था वो प्रारंभ से देखिए, चाहे वो रघुवीर सहाय हो, चाहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, चाहे लोहिया के को पसंद करने वाले जितनी जमात रही, कुमार नारायण वगैरह जितने लोग थे, सब लोगों को पहचान मिला वहीं से। मुक्तिबोध जो मार्क्सवादी थे, जो वामपंथी लोग थे, उनको भी, उनका भी लॉन्चिंग पैड वही था,
कल्पना। और कल्पना में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बद्री विशाल पित्ति जी ने अपने समाजवादी आग्रहों को कभी भारी नहीं होने दिया, कभी रचनाशीलता पर उसका कोई प्रभाव नहीं आया। मतलब उसमें जो क्वालिटी होती थी उसमें ये नहीं कि ये समाजवादी धारा के हैं तो इनका छपना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ओम प्रकाश दीपक जो जन और मैनकाइंड दोनों में थे और हिंदी के बड़े लेखकों में थे, उस समय बहुत छपे थे, अच्छे निबंधकार भी थे, हजारे प्रसाद द्विवेदी ने भी उनकी तारीफ किया था उनकी भाषा की, लेकिन उनको क्योंकि नाम तो रहता नहीं था, उनके सारी रचनाएं रिजेक्ट होती रही। और ये उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त भी किया चित्रकूट में जो सम्मेलन हुआ वर्ष 1966 में, उसमें लोहिया जी के सामने उन्होंने कहा मैंने तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन मैं आज तक कल्पना में मैं छप नहीं पाया, प्रकाशित नहीं हो पाया, तो थोड़ा अपने उसका विस्तार कीजिए। थोड़ा क्षुब्ध थे वो, बाद में वो जन के संपादक हुए और लोहिया ने उनको वो किया, बैकअप किया, लेकिन बहुत कम छपे वो कल्पना में। तो कोई आग्रह, राजनीतिक आग्रह तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया और कोई दबाव नहीं, बस जो जो लोग थे उनका भी वो मार्क्सवादी है, ओके कोई बात नहीं, आप मार्क्सवादी रहो, आप समाजवादी रहो, आप दक्षिणपंथी हो दक्षिणपंथी रहो, कोई मतलब नहीं, लेकिन रचना के विषय में कोई समझौता नहीं। अपने लिखते थे कि नहीं? नहीं, वो उन्होंने लिखा भी है और ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक प्रयाग शुक्ल ने लिखा है, उसका नाम है बद्री विशाल। उस पुस्तक का नाम है बद्री विशाल, जो वहां से छपी है वाग्देवी प्रकाशन अजमेर या राजस्थान से छपी है। प्रयाग जी ने वो किताब मुझे दी है अपने कोलकाता में। अच्छा अच्छा तो वो आपने पढ़ा होगा जी। उसमें 21 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, 21 लोगों ने, और उसमें कमलेश वगैरह जितने उनके अंतरंग लोग थे, जो जो कमलेश को का लेख भी है उसमें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 18-19 साल की अवस्था में उनको नौकरी दे दिया बद्री विशाल पित्ती जी ने, दिल्ली में कहा कि तुम आओ कल्पना, और वो नौकरी भी बड़ी विचित्र क्योंकि वो बड़े अच्छे परिवार के थे और दिल्ली में, और बड़े नैष्ठिक ब्राह्मण कुल के व्यक्ति थे, पंक्ति पावन ब्राह्मण थे, उनके बड़े भाई संस्कृत के प्रोफेसर एंड हेड थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो बिल्कुल अपने परिवार से विद्रोह करके वो दिल्ली पहुंच गए, समाजवादी हो गए, और वो फिर जो दिल्ली की कठिनाइयां होती हैं महानगरों की, रहने की जगह नहीं और सारी परेशानी, तो संयोग से बद्री विशाल पित्ती जी से उनका, बद्री विशाल जी के साथ वो रहे, उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 18 साल की अवस्था में कल्पना में नौकरी दे दिया, उनको संपादक मंडल में सम्मिलित कर लिया, कहा कि आओ यहाँ काम करो, और उन्होंने काम किया और वहीं से उनकी एक बड़ी पहचान बनी, जो जो मैंने कहा कि वो जो त्रयी थी उस समय, धूमिल, जगुड़ी और कमलेश, ये तीनों बड़े कवि माने जाते थे। तो ये प्रयाग शुक्ल ने लिखा, और कल्पना के विषय में भी विवेकी राय एक गाजीपुर के थे, गाजीपुर के विवेकी राय जो निबंध लिखते थे, जिनके बहुत सारे निबंध कल्पना में छपे भी हैं, ललित निबंध, क्योंकि ललित निबंधों की परंपरा बड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन कल्पना में
हजारे प्रसाद द्विवेदी ने विवेक विनय मोहन शर्मा चंदबली पांडे ये और वासुदेव शरण अग्रवाल भगवत शरण उपाध्याय और ये एक समाज वैज्ञानिक थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ श्यामा श्यामचरण दुबे हाँ श्यामा चरण दुबे इन लोगों के लेख इन लोगों के निबंध खूब छपे और किस्तों में छपे मंगलदेव शर्मा इन लोगों के निबंध अजय प्रसाद द्विवेदी जी के तो एक से एक अद्भुत विद्या निवास मिश्र जी के लोहिया जी लिखते थे कि नहीं कौन लोहिया जी नहीं लोहिया जी को लोहिया जी ने कल्पना में तो नहीं लिखा क्योंकि वो इतने लेकिन उनके लिए तो पूरा उनके जीवन काल में ही मतलब तब न्यास नहीं स्थापित हुआ था ट्रस्ट नहीं बना था लेकिन उनके सारे भाषणों को उनके सारे लेखन को और वो जो उनकी पुस्तकें थी कम से कम 15-20 पुस्तकें तो लिख ही चुके थे कास्ट सिस्टम इन इंडिया व्हील ऑफ हिस्ट्री गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन और बहुत सारी किताबें और वो भी वॉल्यूमिनस बुक्स मतलब 300-400 पेज की तो उसका सबसे पहले और उसमें मस्तराम कपूर एक थे दिल्ली के जो मैं जी के साथ रात दिन रहते थे भंडारा रोड पर जो रहते थे वो मैं उन्होंने लोहिया के की पुस्तकों को 9 खंडों में छापा है जो 750 रुपए में कहते थे ठीक है तुम 9 खंड ले लो का उस तरह कल्पना में लिखा है आपको जान के आश्चर्य होगा कि लोहिया उन्होंने जबरदस्ती वो पुस्तकों की समीक्षाएं लिखवाया वो और वो छपी भी और वो बड़ी अद्भुत समीक्षा थी और जब लोहिया जी पर चर्चा जेएनयू में हुई तो उसमें डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने जो एक जेएनयू के अध्यापक थे और समाजवादी विचारधारा के थे उन्होंने उल्लेख किया तो उन्होंने नामवर जी थे उस मीटिंग में नामवर जी ने कहा कि अरे मैंने उसको पढ़ा है और वो तो अद्भुत है और अपने उसमें से उन्होंने गूगल में से या कहां से उसमें निकाल के पूरा पढ़ा पूरा अद्योपान आनंद कुमार उसके और ब्रजभूषण तिवारी जी ये दो लोग संयोजक थे जेएनयू में वो मीटिंग हुई थी क्यों? तो आपने समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार चलिए करता हूँ धन्यवाद।